हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं विलेज लाइफ, गांव की लाइफ कैसे होती है और कैसे कैसे लोग रहते हैं, आपको सब दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, ये रहा खेत और ये बहुत बड़ा खेत है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। यहाँ की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे घर कम और हरियाली ज़्यादा है, पेड़ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन फ्री होता है, पोल्यूशन नहीं होता, हवा फ्रेश आती है और लोगों ने अपनी अपनी सब्जियाँ खुद लगा रखी है, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं सब, इसलिए यहाँ पे ओल्ड एज भी बहुत सारा काम कर लेते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में ओल्ड एज वाले तो 50 के बाद बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 80 85 वाले भी काम करते हैं। तो देख लीजिए, ये कनक लगा रखी है, ये कनक लगा रखी है, देख लीजिए। सबने खेती कर रखी होगी अपने अपने घर के आसपास में, जहाँ पे भी उनकी ज़मीन है। तो बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, मज़ा आता है। और ये जाली लगा रखी है ताकि कोई गाय गुएं इनकी फसल आगे ख़राब ना कर दें। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस, ये है यहाँ के लोगों का रेस्ट हाउस, और यहाँ पे आके सारे रेस्ट करते हैं जो भी खेती करते हैं अपना, और दोपहर के टाइम आके यहाँ पे रेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक खासियत बात है इनकी है कि यहाँ पे जो ये पेड़ लगा आम का, अभी तो यहाँ पे धूप आ रही है, सूरज इस साइड आकर 1-1.5 बजे तक सूरज इधर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाती है छाएँ और लगने लगती है ठंड, फिर हवाएं चलेंगी तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसलिए यहाँ पे गांव के लोग खेती करते हैं ना, तो यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं, जैसे ये बाबा ने किया। अभी ये रेस्ट करके अभी चले गए आगे और अपना पानी रख दिया। तो ऐसे ही दोपहर में आएंगे, शाम को तक यहीं पर बैठेंगे, लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं, खेती करते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर सारे इकट्ठे होके मज़े भी करते हैं। तो ये रहा इनका रेस्ट हाउस, मज़ा आता होगा सब भाई हम एक भी साथ थोड़ी देर में। बैठते हैं यहाँ। तो गाइस, अभी हम रेस्ट करके इधर से घर चलते हैं और घर में जाके थोड़ा सा खाते हैं कुछ, और फिर शाम को हमारा प्लान है धाम में जाने का, और धाम खाएंगे वहाँ पे। और और आपको भी दिखाएंगे अगर वीडियो बना सके तो। तो जो जो बना होगा, दालें, चावल, खट्टा मीठा सब दिखाएंगे आपको। तो चलो अभी घर चलते हैं। तो चलिए पंकज जी, चलते हैं घर। हिमाचली धाम खाने और खेतों के बीच बीच से जा रहे हैं, ये होती है हिमाचल लाइफ। और हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना है वो, नीचे बिठा के सबको साथ में खिलाते हैं, एक बार में सबको खिलाएंगे, सब एक साथ उठेंगे और एक साथ बैठेंगे खाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिमाचली खाना, चलते हैं। ये देखिए, ये रास्ता है, इधर से हम जाएंगे और धाम वाली जगह में पहुँचेंगे, और क्या क्या बना होगा वो सब आपको दिखाएंगे। काफ़ी तरह के दालें बनी होती हैं और पत्तल में खाते हैं सारे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये मज्जे रखी हुई हैं दूध निकालने के लिए। आया
रहते हैं स्लेटो वाले, कच्चे घर होते हैं, लेकिन इनकी एक ख़ास बात है कि इन घरों में जितनी मर्ज़ी गर्मी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से ठंडा ही ठंडा रहता है। क्योंकि टीन लगा लेते हैं लोग, टीन का क्या होता है, टीन धूप में गर्म हो जाती है, लेकिन ये स्लेटें गर्म नहीं होती, इसके अंदर भी ठंडा ही रहता है सारा। तो भाई ये रास्ता है जाने का धाम, जामबाग जगह में सही रास्ता है, शॉर्टकट है। केक बड़ा, केक बड़ा बड़ा हुआ रस्तों में, बस बाकी सारा कुछ ठीक है, केक बहुत है रस्तों में। इधर थोड़ा हवा अच्छी लग रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना, बहुत ठंड लग रही है, तो पहले तो गर्म हवा लग रही थी। ये रहा इनका शॉर्टकट पुल, हाईवे, ब्रिज आ गया, ब्रिज देखा आप अंदर नीचे, पानी की आवाज़ आ रही है भाई, पानी चल रहा है भाई थोड़ा थोड़ा, लेकिन इधर वो खड़ा खड़ा दिख रहा है, उधर चल रहा है, ये कैसे भाई। चलो शॉर्टकट रास्ता है। तो गाइस ये अभी पुल, छोटा सा पुल क्रॉस किया है हम, ले लेगा, थक गए हम तो भाई, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये गांव वाले थकते नहीं है और हम शहर वाले ना, हम सिटी वाले हैं पटियाला वाले, तो भाई हम थक जाते हैं थोड़ा सा, पा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। और गर्मी बहुत है, मार्च के महीने में इतनी गर्मी होगी, आगे जाके कितनी होगी, आगे जाके तो बुरा हाल हो जाएगा। इस बार मेरे को लग रहा है लगभग 47 से 48 डिग्री तक जाएगा इस बार टेम्परेचर, तो भाई देखते हैं कितनी गर्मी होती है। कोई बात नहीं, सर्दी झेल लिया तो गर्मी भी झेल लेंगे। तो गाइस यहाँ पे पत्तल और पानी का गिलास आ गया है और चावल आ गए हैं और दाल और खट्टा आ गया है ये। ये चने की दाल है, ये आलू मटर आ गए, ये कढ़ी है और ये मीठा है और ये साइड में मदरा है। तो गाइस हम धाम खा के निकल चुके हैं, बहुत ही स्वाद बना रखा था, सही बताऊँ मज़ा आ गया खा के, बहुत स्वाद बना रखा था, हर एक सब्जी में हर तरह के जो भी सामान डाला हुआ था वो परफेक्ट था, ऐसा नहीं कि नमक ज़्यादा मिर्ची ज़्यादा या ये कम वो कम, कुछ भी नहीं, सारा पूरा परफेक्ट था। तो मज़ा आ गया खा के, स्वाद लगा। तो पूछते हैं अपने बंदों से, बताओ भाई कैसा लगा? बहुत स्वाद, हर चीज बड़ी ही स्वाद थी। अच्छा बहुत मजा आया। तो ये आ गई बोड़ी, इसको बोड़ी बोलते हैं, देखो जहाँ से छोड़ रही तो गिरते हैं, ये साफ पानी है और यहाँ से पानी पीते हैं, इसमें आना धीरे धीरे आना। साफ है पानी, साफ है तो मछली होती है, आपने धीरे धीरे ये पानी इधर को जाता है और ये ऐसे होते होते खेतों में पहुंच जाता है। भाई गर्मी बहुत है, बस खाते खाते गर्मी लगने लग गई थी। मजा बड़ा है, बड़ा स्वाद है, ज्यादा
टेस्टी होती है। हाँ ज़्यादा गर्म नहीं था। एक बाथरूम हो रहा है भाई, सुपर उस तुम बाथरूम बना रखे हम गला में भाई, क्या पता इनके पीछे कुछ और राज है। क्या राज है? सोना सोना तो इनके पीछे कोई अपना गोल्ड छोड़ के आता हो गोल्ड हम लल्ले का गोल्ड है, हम लल्ले वाले बंदे अपने गोल्ड छोड़ के आते थे इधर। ओहो केक भाई, ये कुकर तीन चार दिन से हमें रड़ रहा है, पानी में गड्डी चुका तो जरा बैग में डाल लें इसको फिर इसका कुछ ओ गया भाई। हाय हाउ आर यू, ब्लॉग च आ गया तू ना, एक्शन करता हूं मैं। और सुना बस। तो गाइस देख लीजिए, आजकल यंग लोग नहीं उठा पाते, यहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग उठा पाते। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी घर, और धाम खा के बहुत मज़ा आया है। ये हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना है, और जैसे मैंने टॉप ट्रेडिशनल कैप पहन रखी है वैसे वो धाम तो हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना है। धाम स्वाद बहुत ही टेस्टी थी ना। हाँ वही स्वाद वही टेस्टी होता है। आप भी कभी हिमाचल आओगे तो ज़रूर खाएं ये धाम। और ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। हमारे ब्लॉग को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय 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 बाय।